हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर इज मी रेनू गौर। सो गाइस, आज की ये वीडियो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम अनदर पार्टी लुक क्रिएट करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट मैंने रोज़ टोनर यूज़ कर लिया है, देन नेक्स्ट ये होहोबा फेस सीरम है जो मैं अप्लाई करूँगी अपने स्किन पे एज एन मॉइस्चराइज़र। सो मैं इसको अप्लाई करके अच्छे से स्किन में रब कर लूँगी ताकि ये मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। देन नेक्स्ट मैंने रोज़ जेल मॉइस्चराइज़र लिया है सेम गुड वाइब्स का, ये भी मैं अपनी स्किन पे लगाऊंगी और इसको भी मैं अच्छे से रब कर लूँगी अपनी स्किन में। देन नेक्स्ट आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने जेल लाइनर अप्लाई किया है अपने आईब्रो पर विथ माय ब्रश, आईब्रो ब्रश। अगर आपके पास जेल लाइनर नहीं है तो आप किसी भी आई शेडो से भी अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हो, ब्राउन आई शेडो से, वो प्रॉपर नेचुरल फिनिशिंग देगा आपको। प्लस गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि फिल वाली आईब्रो और विदाउट फिल वाली आईब्रोज में कितना डिफरेंस है। तो अगर आप कोई लुक क्रिएट कर रहे हो और आईब्रो को फिल नहीं करोगे तो वो इनकम्प्लीट लगेगा आपका लुक। देन नेक्स्ट मैंने अपने कंसीलर पैलेट से अपनी आईज लिड को कंसील कर रही हूँ मैं, ताकि जो कलर मैं अप्लाई करूं उसका इंटेंस बहुत अच्छा है। ये वाइट है, प्रॉपर वाइट है, आप कोई भी लाइट टोन अप्लाई कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा लाइट अप्लाई करती हूँ बिकॉज जो कलर इंटेंसिटी है मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। मैं अपर साइड भी अप्लाई कर लूँगी बिकॉज हम लोग जब फाउंडेशन से यूज़ करते हैं तो इतना क्लोज नहीं आ पाते हैं। देन नेक्स्ट अब मैंने अपना एक बफिंग ब्रश की हेल्प से जो कंसीलर अप्लाई किया था लिड पे उसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मार्श लूज पाउडर से मैं उसे बेक कर लूँगी अपनी आईलिड को जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था। मैं अच्छे से बेक कर लूँगी ताकि कोई क्रीज लाइन ना आए आई शेडो अप्लाई करने के बाद दोनों आईलिड्स। देन ये निका के 9 आई शेडो पैलेट थे शुगर प्लम। मैं आज पिंक लुक क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने इस आई शेडो पैलेट से पिंक कलर पिक किया है विथ माई ब्रश। ये मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी बहुत लाइट, देन मैं इसको अपने आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी प्रॉपर आईलिड पे। और ये बहुत इजी लुक है गाइस, आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आप इजीली इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपनी आईलिड पे स्ट्रॉन्ग कलर दिया है, देन मैं क्रीज पर बहुत लाइट पिंक अप्लाई कर रही हूँ एज एन स्मोकी। आपको भी सेम ऐसे ही करना है, आईलिड पे स्ट्रॉन्ग, देन अपर साइड जाते जाते आपको लाइट कलर लेना है। देन अब मैं सेम ब्रश को क्लीन करके अपने क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे, और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से लाइट शिमरी कलर पिक किया है अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। देन नेक्स्ट है ये ओलिविया पेन स्टिक गाइस, ये ओलिविया का पेन स्टिक है, ये येल्लो अंडरटोन है। सो मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ एज एन कलर करेक्टर, तो मैं इसे अपने अंडर आई एरिया पे भी यूज़ करती हूँ, मैं इसे अपने फेस पे भी अप्लाई करती हूँ जहाँ जहाँ मुझे अनइवन स्किन इश्यूज़ हैं, तो मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। इसे मैं अब कंसीलर ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँ फेस पर, और आप चाहो तो उसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हो, और आप डायरेक्ट भी इसको फेस पे लगा सकते हो, देन उसके बाद उसे आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। और प्लीज़ गाइस, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर को वेट नहीं करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, फ्लॉलेस फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी बेस की। तो आप अप्लाई करने से पहले अपने ब्लेंडर को अच्छे से वेट कर लेना और उसका पानी जितना भी होगा वो सब निकाल देना, और उसके बाद अगर आप ब्लेंड करोगे तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। देन नेक्स्ट है ये पैक का ग्लिटर ग्लू, ये मैं ग्लिटर अप्लाई करने से पहले अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी इसको, और ये बहुत अच्छा है गाइस, आप भी इसको ले सकते हैं। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जो जो मैं अप्लाई करूँगी, तो आपको इजीली पता चल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो उसको। देन ये मैंने पिंक ग्लिटर अप्लाई किया है, मैं पूरी आईलिड पे पिंक ग्लिटर यूज़ करूँगी, और ये बहुत ईजी है, आप इसको आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ग्लिटर ग्लू नहीं है तो आप किसी भी लिप बाम को अपनी आईलिड पे अप्लाई करके उसके बाद ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सेम ही होगा। देन नेक्स्ट मैं आज बेस के लिए क्रेलोन का बेस यूज़ करूँगी, ये D16 नंबर है जो मेरा शेड है, ये D16 मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। और गाइस, क्रेलोन के बेस अमेजिंग है, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कवरेज बहुत अच्छी है, स्टे भी बहुत अच्छा है,
तो इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। प्रॉपर नेचुरल कलर लूँगी मैं, जो मेरा स्किन टोन का कलर है वही मैं अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे। आपको अभी वाइट लग रहा होगा बिकॉज़ लाइट की वजह से, अदरवाइज़ ये मेरा नेचुरल शेड है। अब मैं लाइट कलर पिक करूँगी फॉर हाईलाइटिंग, तो मैं उसे अपने अंडर एरिया पे अप्लाई करूँगी, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ अप्लाई करूँगी, फॉर हेड पे जहाँ जहाँ हाईलाइट होता है मैं वहाँ पर लाइट कलर अप्लाई करूँगी। मैं सेम अपने कंसीलर ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करूँगी। मैं पूरे फेस पे जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग्स एरिया है मैं उसे अप्लाई करने के बाद अपने सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। और आप भी ये बहुत इजीली कर सकते हो घर पर ही। लोग आपको अगर कोई फंक्शन में जाना है, वैसे भी अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ब्लेंड करने के बाद पूरे बेस को मैं लूज़ पाउडर से, मास्क के लूज़ पाउडर से बेक कर लूँगी अपने अंडर एरिया को। जहाँ जहाँ मुझे क्रीज लाइन इश्यू होता है, मैं पूरे फेस पे पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मुझे मैट लुक नहीं पसंद है, मुझे ग्लॉसी मेकअप पसंद है। तो जहाँ जहाँ मुझे क्रीज लाइन इशू आते हैं मैं वहीं अप्लाई करूँगी और हल्का सा डैप कर लूँगी स्किन में पूरा फिनिश होने के बाद। देन नेक्स्ट ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्ज़र है, इसे मैं अपने स्किन को कंटूर करने के लिए यूज़ करूँगी। और पर्सनली मुझे मेकअप रेवोल्यूशन बहुत पसंद है ब्रांड, और मैं इसे अपने जो लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। और ब्रॉन्ज़र यूज़ करना बहुत अच्छा है गाइस, अगर आप मेकअप करते हो और आपके फीचर शार्प नहीं होंगे तो वो इनकम्प्लीट लगेगा आपका लुक। सो मैं सेम ब्रॉन्ज़र को अपनी नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी अपनी नोज़ को शेप देने के लिए। और कंटूर करने के बाद आपके फीचर्स बहुत इन्हेंस हो जाते हैं गाइस। और सेम ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश, ये पिंक अंडर टोन है, सो इसे मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। देन नेक्स्ट है ये मार्श का ब्लू काजल, इसे मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी और इसको थोड़ा सा नीचे भी अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ा सा स्मोक लुक क्रिएट हो। देन नेक्स्ट मैंने सेम शुगर प्लम के पैलेट से अपने टियर डक पे हाईलाइट किया है ताकि वो थोड़ा सा ओपन लगे। उसे अप्लाई करने के बाद मैं ये हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, ये भी मेकअप रेवोल्यूशन का है, ये मैं अपने फेयर ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पर ताकि हाईलाइट हो मेरे चीक्स। देन नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, ये द बॉडी शॉप का मस्कारा है वॉल्यूम। पर्सनली मुझे ये मस्कारा बहुत पसंद है और आप भी ट्राई कर सकते हो, बॉडी शॉप एक बहुत अच्छा ब्रांड है। इसे मैं अपने लिप्स को डिफाइन करूँगी। देन उसके बाद मैं लिपस्टिक को पूरे लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं अपनी ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ ताकि मेरा ये जो लुक है वो कंप्लीट हो जाए। और गाइस मैंने ये हेयर कैसे कर्ल्स किए हैं मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, सो मैं उसे भी अपलोड करूँगी इस वीडियो के बाद। आप वो भी चेकआउट कर सकते हो कि आप कैसे इजीली कर्ल्स कर सकते हो अपने घर पर ही विथ योर मशीन। एंड मैंने एक सेपरेट वीडियो एक और बनाई है, निका के 9 जो पैलेट मैंने यूज़ किया है इस लुक में, उसकी एक सेपरेट वीडियो है, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। सो ये था मेरा फाइनल लुक गाइस, ये लुक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए बिकॉज़ जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।